भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कांग्रेसियों ने सोमवार को बैंक रोड स्थित बासपड़वा समाज के बच्चों को गुलाब का फूल, बिस्किट, चॉकलेट देकर राजीव की जयंती मनाया। कांग्रेसियों का कहना था कि मात्र 40 वर्ष की उम्र में देश की बागडोर संभालने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी गरीबों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते थे। उन्होंने देश में कंप्यूटर लाए जिससे युवा वर्ग लाभान्वित हुआ। उन्होंने देश को डिजिटल इंडिया बनाने की शुरुआत की, जिसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को समाज से वंचित बच्चों के साथ राजीव की जयंती मनाई, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल अहमद ने कहा, जी का जन्मदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री जो कंप्यूटर लाए थे, मोबाइल लाए थे, उसी के नाते आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप लोग के साथ हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस के लोग निकले हुए हैं, जो मेहनत का श्लोक है हमारे बसपोड़ भाई, उनके बच्चों के बीच में खुशियां बांटने के लिए। और खुशी का माहौल इसलिए है कि कल 20 अगस्त का दिन है, और 20 अगस्त के दिन ही सन 1944 में हमारे एक ऐसे नेता का जन्म हुआ था जो 40 वर्ष की उम्र में ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने हिंदुस्तान को एक अच्छा सही रास्ता दिखाया, एकता का रास्ता दिखाया, सांप्रदायिक सौहार्द का रास्ता दिखाया, पूरे समाज को एक करके आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, कंप्यूटराइजेशन दिया हिंदुस्तान को। उस वक्त जो विपक्ष के नेता थे, यही भारतीय जनता के पार्टी के लोग थे और क्षेत्रीय दल के लोग थे, ये कहते थे, इन्होंने बैलगाड़ी का जुलूस निकाला था, संसद भवन गए थे और कहते थे कि जब देश के अंदर कंप्यूटर आ जाएगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन बेरोजगार तो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में आज हैं लोग। राजीव गांधी ने तो कंप्यूटराइजेशन करके लाखों नौजवानों को रोजगार दिया, और उसके माध्यम से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान के नौजवान कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, और आधुनिक टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान के तिरंगे परचम को गर्व और फख्र के साथ लहराने का काम कर रहे हैं, और राजीव गांधी जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये कंप्यूटर की जो दूरदर्शी, दूरअंदेशी राजीव गांधी ने की थी, उसी के बल पर आज हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी की फील्ड में दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है, और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को पीछे करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। आज कुछ लोग हैं जो सत्ता में, वो ये साबित करना चाहते हैं कि जब से वो सरकार में आए हैं तभी विकास का जन्म हुआ है, विकास को लेकर वही पैदा हुए। वो भूल जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने हिंदुस्तान में जहां सुई नहीं बनती थी, किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे आधारभूत संरचना की, हमारे देश हिंदुस्तान की। वो भूल जाते हैं इंदिरा गांधी को कि किस तरीके से हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए और हिंदुस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया। वो भूल जाते हैं राजीव गांधी को कि उन्होंने आधुनिक भारत जो आज मौजूद है दुनिया के सामने, उसको किस तरीके से एक नया संदेश दिया, एक नई नीति दी, एक नया रास्ता दिया। और सबसे बड़ा काम
हमारे नेता राजीव गांधी ने किया कि नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया, जो 21 वर्ष तक सीमित था उसको 3 वर्ष घटा करके 18 वर्ष के लोगों को भी मत देने का अधिकार दिया। उनको भरोसा था कि हिंदुस्तान के नौजवान, चाहे उनकी आयु कम ही है, लेकिन लोकतंत्र यहाँ इतना मजबूत है और इन नौजवानों की लोकतांत्रिक समझ इतनी मजबूत है कि ये सही तरीके से वोट दे करके भारत में सही सरकार का चुनाव कर सकेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, 35% का आरक्षण दिया महिलाओं को, पंचायतों को आरक्षण दिया, देश के अंदर पंचायत की व्यवस्था को मजबूत किया, पंचायत में आरक्षण को सुदृढ़ किया, दबे वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, महिलाएं, सारे लोग पंचायत में निकल करके सामने आई, सबको नेतृत्व प्राप्त हुआ और भारत को सही सामुदायिक नेतृत्व अगर किसी ने प्रदान करने का काम किया तो राजीव गांधी जी ने किया। आज कल उनकी जन्मतिथि है, 75वीं जन्मतिथि। आज हम खुशी का इजहार करने के लिए बच्चों के बीच में आए हैं, नागरिकों के बीच में आए हैं कि हम उन खुशी को बांटें और राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जो जो किया है उसके बारे में हम आम जनता को बताएं।